हेलो बैकबेंचर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैकबेंचर पाठशाला में। जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने अधिगम को और उसके उसको प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा था। आज हम अधिगम के वक्र को पढ़ेंगे। अधिगम के वक्र को एविंग हॉस ने दिया था। अधिगम के वक्र से मतलब है कि हम अधिगम को उस समय और मात्रा के बीच में एक ग्राफ होता है जिसमें हम देखते हैं कि कितने समय में कितना अधिगम किया है। अब हम अधिगम की वक्र की ये परिभाषा है, अधिगम की मात्रा अधिगम में लगने वाले समय के मध्य, मतलब अधिगम की जो मात्रा है और अधिगम में को पूरा करने में लगे समय के मध्य परस्पर एक बंधन हो, इसे रेखांकित करते हैं। करने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। वक्र से मतलब है एक ग्राफ, जैसे ये मात्रा और अधिगम के समय के बीच। अब इस वक्र के हम प्रकार पढ़ेंगे जो कि चार प्रकार के होते हैं। अब हम अधिगम के वक्र को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अधिगम के वक्र चार प्रकार के होते हैं, तो उसमें से पहला वक्र है सरल रेखीय अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है कि मात्रा और समय समान होते हैं। इसमें अधिगम का समय और उसकी मात्रा व मात्रा समान होती है जिससे कि ये है एक तरफ मात्रा व समय। जब ये समान होंगे तो एक सरल रेखा में वक्र बनेगा, तो इसलिए इसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। जैसे कि चार घंटे और चार चैप्टर, सरल रेखीय अधिगम वक्र को हम निष्पादन वक्र और समान उपलब्धि वक्र भी कहते हैं। अब अधिगम के वक्र का दूसरा एग्जाम्पल है उन्नतोदर वक्र। इसमें समय की अपेक्षा जो अधिगम की मात्रा होती है वो अधिक होती है। समय की अपेक्षा अधिगम की मात्रा, इसका वक्र इस तरीके से बनेगा जिसमें समय की अपेक्षा में जो अधिगम की मात्रा है वो अधिक रहेगी। और इसको भी हम अन्य नाम से जानते हैं, जैसे बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र और सकारात्मक वक्र। तो ये अधिगम के वक्र का दूसरा प्रकार हो गया। अधिगम के वक्र के तीसरे प्रकार को हम नतोदर वक्र कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि समय अधिक लगता है और अधिगम की मात्रा कम होती है। हाँ, तो ये है अधिगम का वक्र का नतोदर वक्र का वक्र, जिसमें मात्रा और समय के बीच में है, जिसमें समय अधिक है व अधिगम की मात्रा कम है। इसको हम घटता हुआ वक्र और नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। अब अधिगम के वक्र का लास्ट टाइप मिश्रित वक्र। इसमें क्या होता है कि मात्रा और समय बदलते रहते हैं, कभी मात्रा अधिक होगी तो कभी समय अधिक होगा, इसलिए इसे मिश्रित वक्र कहते हैं।
और इसे एस टाइप कर्व भी कहते हैं। अब अधिगम के वक्र के बाद हम अधिगम के सिद्धांत डिस्कस करेंगे, जिनमें अधिगम के सिद्धांत को हम दो प्रकार से करेंगे, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद। और सबसे पहले व्यवहारवाद जो था, इसके जन्मदाता थे वॉटसन। और संज्ञानवाद से अभिप्राय है गेस्टाल्टवाद। इसके जन्मदाता थे मैक्स वर्डिमर। व्यवहारवाद में आते हैं हमारे पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और हल। सबसे पहले पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और सी एल हॉल। और संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद में आते हैं कोहलर, कार्ट लेबन। ये पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन पे दिया था, स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत पे, और थॉर्नडाइक के नियम हैं, और हॉल ने पुनर्वरण का सिद्धांत दिया था, और कोहलर ने दिया था सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और कार्ट लेबन ने क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी थ्योरीज को, पावलोव की, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, कोहलर और कार्ट लेबन की थ्योरीज को हम डिस्क्राइब भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से हमेशा ही क्वेश्चन आता है एक या दो। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। धन्यवाद।